हाय, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं ड्राइविंग मोटर्स। कभी आपका मन किया है कि ये शहर की ज़िंदगी बहुत हो गई और कहीं चलते हैं दूर पहाड़ों में, या कहीं नेचर के पास, नदी के पास, और जाके रहते हैं वहाँ? हमने सोशल मीडिया पर तो काफ़ी सारे लोगों के स्टोरीज़ देखे होंगे जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं और हमारा मन करता है कि भाई बहुत हो गया, चलते हैं कहीं दूर। और काफ़ी लोग वेकेशन पे भी जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप कहीं दूर जाके रह सकें और अपना जीवन व्यतीत कर सकें? तो इसका सीधा सीधा आंसर है हाँ, रहा जा सकता है पहाड़ों में, नदियों में, नदी के किनारे, हाँ केरला बिल्कुल में, जम्मू में, लेह में, या कहीं अपने दूर गांव में आसान से रहा जा सकता है। पर कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ आपके पास पैसे होते हुए भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे आप देखते होंगे कि पहाड़ों में, दूर दूर वादियों में, जहाँ खाना और मकान मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह ना चुने जहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप शहर से दूर रह सकते हैं सुंदर सुंदर नज़ारों के बीच। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो लगेगी वो है रोटी, कपड़ा, मकान, और इन तीनों चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप दुनिया का कोई भी कोना उठा के देख लीजिए, वहाँ रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे तो लगेंगे ही। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नेचर पर निर्भर हो सकते हैं। तो आप कोई भी जगह चुनें, आप वहाँ के लोकल लोगों को देखिए कि वो कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं सर्वाइवल के लिए, चाहे वो भेड़ें चराना हो, चाहे वो लकड़ी का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, या चाहे और कुछ। तो सबसे आसान तरीका जो पॉसिबल है आज के दिन में वो है वर्क फ्रॉम होम। तो आप कोई ऐसा जॉब चुनिए जिसमें आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिले और उसके रहते हुए आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं से भी काम कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैं खुद मेरे गांव से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और फिर जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी मैं इस जगह पे आके अपना मनचाहा काम करता था और या वक्त बिताता था। तो वर्क फ्रॉम होम के कई सारे फायदे हैं। आप घर से काम करते हैं तो आपका पैसा काफ़ी बच जाता है ट्रैवलिंग का, और अगर आप ऐसे लोकेशन से काम कर रहे हैं जो कि सिटी से काफ़ी दूर है तो वहाँ का एक्सपेंस बहुत कम होता है, खाने का, रहने का खर्चा बहुत कम होता है, और आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाएगी, आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी वर्क फ्रॉम होम अलाउड नहीं करती है तो आप ऐसे कंपनी ढूंढ सकते हैं जहाँ वर्क फ्रॉम होम अलाउड हो और वो वर्क फ्रॉम होम इनक्रेज करते हो। ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो करती हैं। मार्केट में स्किल्स की बहुत डिमांड है। अगर आपके पास सही स्किल है और उन कंपनियों को चाहिए आपकी क्षमता, तो वो वर्क फ्रॉम होम क्या कुछ भी देने के लिए रेडी रहते हैं आपको। तो फिर आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि सिर्फ वर्क फ्रॉम होम तो सिर्फ आईटी वालों के लिए होता है, बाकी लोग क्या करें? तो ऐसे कई सारे जॉब्स हैं जहाँ वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, जिसके लिए सिर्फ आईटी में रहना ज़रूरी नहीं। जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, फ़ोटो एडिटिंग हो गया, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप घर बैठे काम कर सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका वो स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और एक आसान तरीका है जो कि आप यूट्यूबर बन जाइए, जगह जगह घूमिए, वीडियो बनाइए, कंटेंट बनाइए, लोगों का मनोरंजन कीजिए, और आप रह सकते हैं जहाँ चाहे, दुनिया घूम सकते हैं। ऐसे कई सारे व्लॉगर्स हैं जो दुनिया घूमते हैं और वीडियोस बनाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर कभी कभी लोग ज़्यादा एक्सट्रीम में भी चले जाते हैं। कभी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ ना रोटी होता है और ना मकान, सिर्फ कपड़े पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी जगह जाके मैं कुछ अपना सा स्टार्टअप करूँगा, कुछ होटल बनाऊँगा या कुछ मकान बनाऊँगा और उसे किराए पे दूँगा, गेस्ट्स को बुलाऊँगा, तो प्रॉब्ली ये अच्छा आइडिया है। बट क्या आप उसे सस्टेन कर पाएंगे, क्या वो लाइफस्टाइल आपके लिए है? तो ये आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, पर एक बार
सोचिएगा जरूर उसके बारे में अच्छे से करने से पहले। तो अब हम नज़र डालते हैं दूसरी तरफ कि आपको क्यों सिटी से कहीं सुंदर सुंदर नज़ारों को देखने के लिए मूव नहीं होना चाहिए। तो सोशल मीडिया आपको दिखाता है कि बहुत सुंदर सुंदर जगह है और कितना सुकून है, कितनी आसानी से लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, रह रहे हैं और कितनी मस्ती कर रहे हैं, पर उसके पीछे की रियलिटी कोई नहीं बताता, जो आपको भी फेस करनी पड़ेगी अगर आप चाहेंगे। जैसे कि इस जगह में जहाँ मैं रह रहा था, तो यहाँ दिन सुहाना, शाम सुहानी, पर जैसे ही अंधेरा होता है यहाँ बिजली की प्रॉब्लम होती है और मच्छर की और कीड़ों की, तो रात गुजारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर रोज़ मच्छरदानी टांग के उसके अंदर रह के थोड़ा गर्मी में एडजस्ट करके रहना पड़ता है। तो अगर आप बहुत अपने सिटी लाइफ से एडजस्टेड हैं तो आपको ये लाइफ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है, जहाँ आपको काफ़ी सारे चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़े। जैसे कि यहाँ हैदराबाद में मुझे 15 मिनट में कुछ भी ऑनलाइन डिलीवर कर सकता था मैं अपने पास, खाने की चीज़ें, जोमेटो, स्विगी या कुछ भी हो गया, पर वहाँ आपको ऐसे कोई चॉइस नहीं मिलेगा। रात के 8 बज जाएंगे तो वहाँ खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा अगर आप ऐसे कोई रिमोट जगह पे रह रहे हैं तो। ट्रैवलिंग, कपड़े, पानी और कई सारी चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें जिससे आप अपना आपा खो सकते हो और इतने परेशान हो सकते हो कि आपको ऐसा फील होगा कि मैं यहाँ आया ही क्यों। तो ऐसे कई बार होता है कि कई जगह 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बहुत सुंदर लगती हैं, उससे ज़्यादा सहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप ट्रिप करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही है, पर अगर आप सिटी से मूव होना चाहते हैं किसी सुहानी जगह जो नेचर के करीब हो, तो काफ़ी सोच समझ के कीजिएगा। अगर इतना ही आसान होता वहाँ रहना, तो वहाँ के नेटिव लोग खुद सिटी साइड आते हैं रहने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, और जो भी कुछ थोड़े पैसे कमाते हैं वो वापस घर भेजते हैं, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी इतनी आसान नहीं।